पहले वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन से फिर ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा वार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश में 1947 से सरकारें चली आ रही हैं। इतने लंबे समय बाद भी सरकार का विकास का विजन तय नहीं हो पाता था। अपने एक संकीर्ण एजेंडे के साथ सरकारें आती जाती थी। एक नेतृत्व वो था जिसने आजादी के तत्काल बाद सोमनाथ मंदिर के कार्य के शुभारंभ का विरोध किया था, और एक नेतृत्व आज है जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर 5 सदी के इंतजार को दूर कर गौरव की अनुभूति कर रहा है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि एक नेतृत्व था जिसने सोमनाथ मंदिर का विरोध किया था, और एक नेतृत्व आज है जो 5 शताब्दी की प्रतीक्षा को समाप्त कर अयोध्या में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर राम मंदिर निर्माण कार्य का प्रत्यक्ष रूप से साक्षी है। आपके संकट में आपकी आस्था के साथ कौन खड़ा है, यही पहचानना है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि गांधी जी के नाम का प्रयोग करके शासन करने वाली अनेक सरकारें आईं, लेकिन उनकी भावनाओं के अनुरूप काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के फलस्वरूप ही संभव हो सका। आप करिए, एक नेतृत्व वह था आजादी के तत्काल बाद जिसने सोमनाथ मंदिर के कार्य के शुभारंभ का विरोध किया था, और एक नेतृत्व आज है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के 5 सदी के इस इंतजार को दूर करके सनातन आस्था के साथ अपने आप को जोड़ करके गौरव की अनुभूति कर रहा हो, और यही पहचान होती है कि संकट के समय कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपकी आस्था के साथ खड़ा है, कौन इन्हें सम्मान दे रहा है। मैं एक ऑडियो सुन रहा था, यही काशी में 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पधारे थे, और तब उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे, और बहुत तीखी टिप्पणी की थी गांधी जी ने। गांधी जी ने तब कहा था, ये कैसा हिंदू है, कितनी गंदगी है, वहां पर प्रसाद बिक रहा था, फूल पुष्प यानी फूल भी बिक रहे थे, धूप था, उन्होंने मच्छी लग रही थी, वहीं पे गंदगी थी। और तब गांधी जी ने 1916 में टिप्पणी की थी, गांधी जी के नाम पर शासन करने वाले अनेक सरकारें आई होंगी, गांधी जी के नाम का उपयोग करते हुए लोगों ने सत्ताएं हासिल की होंगी, लेकिन गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप काशी विश्वनाथ मंदिर बन सके यह विजन मोदी जी ने ही हम सबको प्रदान किया। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया है सोमनाथ मंदिर का, सीधा कटाक्ष जो है वो पिछली सरकारों पर यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब ये मानकर हम चलें कि 2022 के चुनाव चूंकि नजदीक है तो फिर ऐसे कटाक्ष जो है वो जरूर झेलने पड़ेंगे विपक्ष को। और वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ थे, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से यूपी की योगी सरकार हिंदुत्व के अपने एजेंडे को भी विकास के एजेंडे से जोड़ती है, तो उसी कड़ी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया पूरा जा रहा है, लगातार इस पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उसका जो है जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। और इस वक्त विशाल रोकना चाहेंगे, विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। विजेंद्र जी, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर का विरोध तो किया गया लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से विजन के फलस्वरूप उसको विकसित किया गया, लेकिन कांग्रेस को याद काफी लेट आती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि सोमनाथ मंदिर कांग्रेस के समय में कांग्रेस सरकार द्वारा ही बनवाया गया, लेकिन नेहरू जी ने तो इसका विरोध किया था। अगर कोई प्रधानमंत्री विरोध करता तो किसी गृह मंत्री की हैसियत की मंत्री बनवा लेता क्या? अभी प्रधान नरेंद्र मोदी जी कुछ ना चाहे और अमित शाह जी की हैसियत से वो काम करके दिखा देंगे, तो ये नॉनसेंस बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियों के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है। ठीक, हीरो वाजपेयी साहब भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, मैं वापस लौटती हूँ ब्रजेंद्र जी आपके पास। हीरो वाजपेयी साहब, ब्रजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं जो बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आप लोगों के पास उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं है इसलिए इस तरीके की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं निर्माण तो कांग्रेस सरकार में ही हुआ, भले ही विरोध यहाँ पर किया गया।
देखिए कांग्रेस का ये कहना कि निर्माण कांग्रेस लगातार कहती रही कि ना राम है, ना राम का अस्तित्व है, ना राम सेतु है, उन्होंने एफिडेविट दिए कोर्ट में और ये कहते रहे कि ये मुकदमा अभी रोका जाए। 500 साल तक ये झंझट चलने के बाद आज हिंदुओं को उनकी आस्था के प्रतीक स्थान पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा राम मंदिर बनाने की जगह मिली है, और अगर उसके बाद भी कांग्रेस ये कहे कि उन्होंने कुछ किया था तो ये गलत है। देखिए ऐसा है कि 2014 नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद जी ब्रजेंद्र जी, ये वाजपेयी साहब को आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं आपने तो राम सेतु होने से इनकार कर गया था, राम का अस्तित्व ही नकार दिया था। जी जी बता रहा हूँ। जी जी बताइए। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि सेतु समुद्रम परियोजना सितंबर 2002 में देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी लेकर के आए थे, वो कुल काल्पनिक है। ये बात श्री टी आल बालू उस समय के उनके ही सरकार में मंत्री है, हलफनामा कोर्ट में लगाया था। ये अलग बात है कि वही टी आर बालू जी 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में भी मंत्री थे, क्योंकि वो साक्ष 2005 में जब कोर्ट में विवाद में देखा गया तब लगा कि उन्होंने कहा कि वो काल्पनिक पुल है। तो जब वो सेतु समुद्रम परियोजना ही वाजपेयी जी की थी और वो रोकने का उसको जो एफिडेविट था वो भी उनके टी आर बालू मंत्री जी द्वारा लगाया गया था, भारतीय जनता पार्टी को झूठ फरेब इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया उनके समय में 14 के बाद बनी है, भगवान राम उनके समय पैदा हुए। कहीं वो ये ना कहते हम तो डर रहे हैं कि भगवान राम को मोदी जी ने पैदा किया तो भगवान राम होते ही नहीं पृथ्वी पर। तो ये सब बकवास करने के बजाय उत्तर प्रदेश की जनता को बताएं कि जो कमर तोड़ महंगाई है, एक आदमी की चप्पल और बनियान खरीदने की हैसियत नहीं है, तेल की जगह पंचौका लोग बना के खाने लगे, 99% लोग उज्ज्वला गैस की रिफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं, बेरोजगार दिन लखनऊ के सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, काजल बेटी को गोरखपुर की सड़कों पर गोली मारी जा रही है, इसके सब के बारे में कुछ हो तो बताएं देश को प्रदेश को। ठीक, वाजपेयी साहब आप ब्रजेंद्र जी को सुन रहे होंगे, तमाम आरोप लगा रहे हैं, उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करती है कि सब कुछ हमने ही किया है, विकास हमने ही किया है। नहीं देखिए, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में 32 साल से अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, ना कांग्रेस के पास नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना ही अब दिनों तक कार्यकर्ता रह गए। इसलिए कांग्रेस का ये कहना कि वो कांग्रेस का ये कहना कि लगातार कि वो जो है वो देखिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में ही नहीं है, संकट से जूझ रही कांग्रेस ना, देखिए ट्विटर से पार्टी चल रही है, नेता आते नहीं उत्तर प्रदेश, जनता के बीच में इनका कोई कनेक्ट नहीं रह गया है, तो कांग्रेस कैसे कहेगी? कांग्रेस के पास केवल अनर्गल प्रहलाद के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए लगातार बहुत सारे चुनाव हुए, 14 में ये कह सकते थे कि भाई तब तो ना मेरे पास ईवीएम थी ना कुछ था, तब जीती भारतीय जनता पार्टी। 17 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, अभूतपूर्व बहुमत मिला, चलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहते हैं कि जनता भ्रमित हो गई, मुझे लगता है ये मतदाताओं का अपमान है। लेकिन 2019 तो 2014 और 2017 में उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के कार्य के आधार पर वोट मिला, तो 2019 फिर उसके बाद तमाम उपचुनाव हुए। अगर जनता को लगता होता कि अगर भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के लिए कार्य नहीं कर रही तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा पैमाना चुनाव है, वहां कोई किसी को भ्रमित नहीं कर सकता, वहां पे निर्णय होते हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर, अपने नेतृत्व की ईमानदारी के आधार पर, निष्ठा के आधार पर, 24/7 के आधार पर सत्ता में है, और हमने कहा हम जन सेवा के लिए आए। दरअसल कांग्रेस तो राजनीतिक राज परिवार रहा और उसने उसी ढंग से सत्ता को चलाया, जो भगवान के अस्तित्व को ही नकार दे, अपने को भगवान मानने लगे, उस पार्टी के प्रवक्ता को मैं क्या सद्बुद्धि दूं। ब्रजेंद्र जी अच्छे आदमी है लेकिन गलत पार्टी में है, आगामी फिर अगले 50 साल तक सत्ता नहीं आनी है। ठीक, ब्रजेंद्र जी आप सुन रहे हैं वाजपेयी साहब को, मोदी जी को और योगी जी को, भगवान तो आदिकाल से है, अनंत काल से है, बीजेपी के प्रवक्ता को भगवान पार्टी भगवान लेके नहीं आई है देश में, नहीं तो आप अपमानित करेंगे तो आप दंड तो पाएंगे साहब। आप नौटंकी कर रहे हैं, जनेऊ पहन के जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कह रहे हैं बनवाएंगे, हम भी राम के भक्त हैं,
तो ये सब पहले देखिए, जब 2014 में मोदी की सरकार आई, हिंदुस्तान की धर्म संस्कार संस्कृति हमारी पूजा पद्धति का विश्वास बढ़ा, हमारी पूजा पद्धति में लोगों का विश्वास बढ़ा, और उसका कारण रहा कि हमने उस सद्मार्ग पर चलने की कोशिश की जिस पर कांग्रेस ने देश को भ्रमित किया। ठीक हीरो जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। ब्रिजेन जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ये बेहतर जनता डिसाइड कर पाएगी किसने क्या किया, और 2022 का चुनाव जो है चूंकि उसका आगाज हो गया है, तो तमाम इस तरीके की जो बातें हैं वो भी अब रह रहकर सामने आएंगी। बहरहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।